इंग्लैंड ने T20 वर्ल्ड कप 2022 है, पाकिस्तान को शिकस्त दे दी है 5 विकेटों से। ये पाकिस्तान को शिकस्त दी गई है, लेकिन एक टफ मुकाबला था। पाकिस्तान ने अच्छी फाइट की, क्योंकि पाकिस्तान ने रन ज्यादा नहीं बनाए थे। पाकिस्तान को कुछ ज्यादा रन बनाने चाहिए थे। अगर 20-25 रन पाकिस्तान के ज्यादा होते तो शायद इस वक्त सूरत हाल और फैसला और इस वक्त मामला तमाम चीजें देखा किस तरीके से फाइनल हुआ आज T20 वर्ल्ड कप का। और पाकिस्तान एक प्रकार से ये मैच हारा, लेकिन वन साइडेड नहीं था, जैसा कि इंडिया और इंग्लैंड का सेमीफाइनल था। पाकिस्तान ने कुछ फाइट बैक दिया, हालांकि टोटल इतना बड़ा नहीं था कि डिफेंड करने को तो पाकिस्तानी बॉलर्स करते क्या, लेकिन फिर भी उन्होंने एटलीस्ट 50 के अंदर 3 विकेट तो लिए। फिर बैन स्ट्रोक 50 ओवर के चैंपियंस इंग्लैंड के लिए, T20 में भी आज चैंपियन बना दिया उन्होंने। पहले ये पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के लास्ट में करते हैं इस टॉपिक पर डिटेल में बात। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। क्या लग रहा है आपको फिलहाल पाकिस्तान मैच में? गोलमोल नहीं, ये पाकिस्तान इज वेरी मच 50 रन पे अभी 3 विकेट गिरी है। और मेन खतरनाक बैट्समैन थे जो रियली पिंच हिटर थे, मतलब जो रियली थे वो जा चुके हैं। और अभी मतलब बस 1-2 विकेट और गिरे, बाबर आजम को चाहिए कि मतलब ऑप्शंस को इस्तेमाल करें, वो रूटीन चेंजेस ना करें। नहीं नहीं, शादाब को थोड़ा पहले लेके आना चाहिए था। पहले चलिए ठीक है, आप एग्री करते हैं मोहसिन साहब? बिल्कुल, अगर आगे पीछे उनको चाहिए कि सरप्राइज चेंज तो देना पड़ेगी आपको, आपको रिस्क तो लेना पड़ेगा, इसलिए अपना गेम, इसलिए कि इंग्लैंड की बैटिंग बड़ी लाइनअप बड़ी डेप्थ के पास बहुत है। अभी ये जो हैरी ब्रुक अभी आए हैं ना खेलने के लिए, इन्होंने जो 7 मैचों की सीरीज हुई थी पाकिस्तान में, इसमें इन्होंने रन के अंबार लगा दिए थे। हर दूसरे मैच में इन्होंने 50-60 स्कोर किया हुआ था, और बहुत ही खतरनाक प्लेयर है। तो कुछ ना कुछ करना होगा। आज प्रेशर इंग्लैंड पे भी होगा, हो गया है प्रेशर। ये जो विकेट गई, पाकिस्तान की बॉलिंग कैसी देखी? दुआ कर रहे हैं सकलैन भाई। देखिए थोड़ा सा वो तो अटैक करेंगे, लेकिन मेरा ख्याल बॉलिंग अच्छी। नसीम शाह थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हुई है, वो भी बड़ी कमाल की बॉलिंग करता है, लेकिन शाह और ये आके दूसरे रऊफ ने, इन दोनों ने एकदम से कम बैक कराया पाकिस्तान का, बड़ा खूबसूरत। तो आई थिंक अगर 1 या 2 विकेट अगले 15-20 रन में भी गिरी ना, तो आप टेल यू और पाकिस्तान फेवरेट हो जाएगा। नवाज को लाना चाहिए आपको लगता है? नवाज बहुत जबरदस्त स्पिनर, विकेट आपको नवाज की जगह शादाब को, अगर ये शादाब ही लगा हुआ है, शादाब ही सही किया, वो सही किया, जरूरत पड़ी तो उसको भी ले आएंगे। देखिए देखिए अब ये जो है ना सलमान, अब ये जो गेम है ना, इट्स नॉट अबाउट रन्स, इट्स अबाउट विकेट। विकेट जिसने ले ली, अब मेरा पाकिस्तान ने ये था इसलिए रन 138 आपको लेनी है, वरना ये आखिरी ओवर में बना लेंगे। और इस तरह के मुझे वो जो नजर आ रहा है, जिस तरीके से अभी शॉट खेला है उसका नाम क्या स्टोक्स ने, वो बड़ा कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, मुझे बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। और हैरी ब्रुक्स भी इज अ गुड प्लेयर, सो अटैक करे जितना चाहे अटैक करे। एक स्लिप ले ले फास्ट बॉलर पे, उसके नाम हारिस रूप पे, हाँ स्लिप ली नहीं, अब दोबारा ले ले यार, कोई बात नहीं, अभी बहुत टाइम है। शाहीन शाह अफरीदी के 2 अभी ओवर बाकी है। शाहीन शाह अफरीदी के लेकिन लेकर आते हैं 16वें ओवर पे, 16वें ओवर का तो मैच नहीं है ना, लगे नहीं लगे जाए 16वें। यही तो कप्तानी है कि ले आए 12वें ओवर में यार, 15वें ओवर में आखिरी का वेट ना करें। दिस इज नॉट 7वें 8वें ओवर में आपको करना चाहिए, मेरा अपना ज़ाती सरप्राइज देना चाहिए, इंप्रोवाइज होना चाहिए, इंप्रोवाइज करना चाहिए। थिंक अबाउट द आउट ऑफ द बॉक्स सोचें यार, कि वही मत सोचें यार कि जनाब आज अंडे को सिर्फ उबाल के ही खाना है, लेकिन कुछ दूसरा काम भी करें यार, कुछ दूसरा काम भी करें भाई। अभी तक वर्कआउट भी करेगा जो कप्तान की कप्तानी है, कप्तानी इसे कहते हैं। अभी तक उन्होंने सिर्फ रूटीन कप्तानी की है, नहीं कप्तान सैरिश में कप्तानी नजर आ रही है, सैरिश में नहीं कप्तान की कप्तानी नजर आ रही है। बाबर आजम मोहसिन साहब अभी तक तो इनके तो सवालों से लगा है कि कप्तानी क्या लग रही है, अभी तो बॉलर्स की एफर्ट है, अभी तक बॉलर्स की एफर्ट है जिसके अंदर विकेट मिली है, कप्तानी की वजह से कोई कमाल नहीं हुआ अभी तक। मैं भी होता है ना विकेट कीपर, हाँ पर कप्तान नहीं, तो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। अब ये टेक पे आ गए जी जी, आस्ताना इन्होंने बंद कर दिया, ये वाला काम शुरू कर दिया। और जो फहीम है, फहीम आप कब से मेरे खिलाफ? आज शोएब आप इसमें 2 गालियां भी दी लेकिन साइलेंट हो गई। मैच वो हमारा डॉट, अब प्रेस कॉन्फ्रेंस इतनी होने लग गई है, बीप का हो जाता है मामला है अब तो, हर गुड कॉमन सी बात हो गई। हां वरना हमेशा कैमरा रियली मन में आपके इस तो क्रिकेट इस तो पाकिस्तान ने दबोचा हुआ है। देखिए मेरी बात सुने, सब बात इंग्लैंड को भी दबोचा हुआ है। मैं ऑनेस्टली ये जो इकबाल साहब हैं, मोहसिन हसन खान साहब हैं, ये हमारे क्रिकेट गुरुज हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हम यंगस्टर्स, अब आपको मे बी यंगस्टर कहने पे भी कोई एतराज हो, लेकिन खैर आपने नहीं, बिल्कुल आपने खुद ही कह दिया तो एतराज रजिस्टर हो गया। तो कहने का मकसद ये है कि आपको आपकी आपकी
क्रिकेट की नॉलेज इतनी जबरदस्त है, आप फौरन ये कह रही थी कि जॉस बटलर को आउट करें, जॉस बटलर को आउट आपने करा दिया और अपने अपने पार्टी पे सेंड किया, और इकबाल साहब मुझे देख के आप यंगस्टर ही कहिएगा अपने आप को, शुक्र है सेकंड किया। अच्छा मैं ये कह रही हूं आपको फेवर दिया ये यार, आप जेलस हो जाए, आप वजन कम करते रहेंगे, यंगस्टर आपको फिर भी किसी ने नहीं कहा। वो नाम के मानूर बलूच नाम है, यंग मानूर बलूच, ये भी हमारी मानूर बस ठीक। अरे वाह क्या बात है, ज्यादा हो गया पर कोई बात नहीं। अच्छा खैर मेरे कहने का मानूर बलूच मैं ऑब्जेक्शन कर रहा हूं, नहीं एक मिनट ऑब्जेक्शन वाइड हो गई, शहरी खुद शहरी से यार, ये किसी से कंपेयर नहीं है इनका, क्यों आप कंपेयर कर रहे हैं, आप ऐसी बात ना करें यार, चार चक्के खा के एक विकेट ली थी ना, ये काम आप से कंपेयर ना करें यार, ये खुद एक बड़ी मायनाज एंकर है, कम ऑन ट्रांसमिशन के बाद भी आमना सामना होता है, लेट्स टॉक अबाउट मैच यार, नहीं आप अच्छी ट्रांसमिशन कर रहे हैं माशाल्लाह। अच्छा मेरी बात सुने, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि देखें जो टेक्स्ट बुक क्रिकेट रूल्स, बहुत सारी चीजें, नो डाउट हमारे एक अरबाब और एक सलमान ये बहुत अच्छा खेलते भी हैं और इनका ऐसा जबरदस्त इंटरेस्ट है, हम इनसे सीखते हैं अरबाब से भी, और इसी तरह इकबाल साहब, मोहसिन साहब, बहुत कुछ नया पता चलता है। यार मुझे मोहसिन साहब से ना मिलाएं, he's a library, मोहसिन साहब is a legend, no यार doubt, ये legend है by God यार, हम इनकी बातें सुनते हैं, he's a legend, I swear, तालियां बजाएं मोहसिन साहब के लिए, तालियां यार, तालियां बजाएं भाई, बिल्कुल बिल्कुल। और हम जो एक लर्निंग फेज से गुजर रहे हैं तो उसमें फहीम साहब हमारे उन सवालात को फुटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी बॉल, नहीं ये हमारी मोहब्बत है, ये बोल फैमिली का हिस्सा है, मोहब्बत है। नहीं और एक बात सुने, देखिए हर जगह ना कोई एंटी सोशल एलिमेंट्स होते हैं, समाज दुश्मन अनासिर वही है सर, मैं अभी कवर कर देता हूँ, बोल फैमिली का हिस्सा इकबाल साहब, भाई सलमान ने कितने गोल हो गए आदिल रशीद को भी ले लेते हो, लग गया, ओ माय गॉड, किसको लगा है, ये लगा है ब्रुक्स, है ना ब्रुक्स खेल रहा, ब्रुक्स खेल रहा सलमान, देखिएगा हैरी ब्रुक्स है, ब्रुक खेल रहा है ना, जैसे लगी है चोट, ये हम थोड़ा सा इधर आ गए यार, जरा लेटेस्ट वाली इमेजेस लगा दें प्लीज, मेरे ख्याल से ब्रेक आया हुआ ना, ब्रेक, अच्छा ब्रेक आ गया, ब्रेक आया, सॉरी यार, ये स्कोर क्या 60 हो गया, 61 तो हो गया था अभी, हाउ मच ओवर्स, आई थिंक सो 8, अभी भी 100 चाहिए जी, नहीं नहीं सर 60 सौ चाहिए ना, कहने में क्या हर्ज है, जैसे मैं सर ये चीजें कॉन्फिडेंस को आपके शटर ना कर रहे हैं, बड़ी कारगर साबित, आपको याद है इंग्लैंड से हम टेस्ट सीरीज खेल रहे थे, हमने उनको 130 समथिंग के अंदर आउट कर दिया था, हाँ यकीन करें मैंने टीम को जमा किया, मैंने कहा बेटा 130 100 के अंदर आउट करना, आउट करना 100 के अंदर आउट करना, और 70 कुछ पे आउट कर दिया था हाफिज भाई ने, तो परफॉर्मेंस कड़ा गड़ा कर दिया था, फाटा पे फाटा लगा। अच्छा मैं अभी जिस तरह काश ऐसे लोग होते यार, ऐसे लोग, ऐसे टीचर्स होते जो बताते हैं। अच्छा मुझे ये समझ नहीं आती, मेरा मोहसिन साहब आपसे के सवाल है, हम लोगों के यहाँ क्रिकेट अकेडमीज इतनी कम क्यों हैं, हम लोग यंगस्टर्स को टैलेंट अकेडमीज बहुत है, अकेडमीज काफी, अकेडमीज पैसे के लिए खुली हुई है, क्रिकेटर बनाने के लिए नहीं, आप क्रिकेटर पैसे कमाने के लिए, क्या बात है खुदा की, आप मुझे ये बताइए, आप यकीन की, अच्छा नहीं मैं आपको सॉरी ये नहीं आप बोलिए सर, आज तक मुझे बता दिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अकेडमी खुली हुई है, एक प्लेयर बता दी जो कहते हैं कि एकेडमी से बंद किया है, और 20 साल हो गए एकेडमी खुले हुए, मैं यही कह रहा हूं क्या बात कही है, क्या फायदा है, नहीं इस बात को यही आगे ऐसी एकेडमी होनी चाहिए जहां से पॉलिश करके यंग टैलेंट को निकाला जाए, क्रिकेट बंद कर दिया था, क्लब 4 साल क्लब क्रिकेट बंद, आप दूसरे खेलों का, मेरे साथ इकबाल साहब 2-3 स्पॉन्सर आए पास करके, मैंने कहा देखिए मैं एकेडमी खोलूंगा तो उसमें मैं क्रिकेट के साथ क्लासेस भी रखूंगा, मेंटल टफनेस की भी और पढ़ाई की भी, मोटिवेशनल स्पीकर भी, मुझे पता है क्या जवाब दिया तीनों ने, साहब हम पैसा बनाने की बात कर रहे हैं, आप ये क्या कर रहे हैं, अगर तशरीफ ले जाइए, आप देखिए कोई लॉयल्टी भी तो होती है, लॉयल्टी पैसा बनाना है, अच्छा पाकिस्तान क्रिकेट पीसीबी में एकेडमी से पैसा नहीं बनता, तो उन्होंने कोई क्रिकेटर नहीं, उनको इंटरेस्ट ही नहीं, एक प्लेयर बता दें जो कह सके कि ये एकेडमी का हमारा, बिल्कुल क्या बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट, टेल मी 20 साल हो गए एकेडमी में, अभी पाकिस्तान जूनियर लीग हुआ ना, इतना पैसा खर्च हुआ है, कहीं आपने किसी एक प्लेयर का नाम सुना जो मोहसिन साहब कह रहे हैं, जो कहा पीसीबी ने कहा यार ये जो इतने दिन हुए जूनियर लीग,
पीएसएल की तर्ज पे, इनमें से यार ये चार बंदे, चार बंदे वो ये स्ट्रेटेजी रही है कि वो अपने पहले ओवर में विकेट निकालता है और वो वाला मैच बहुत आउटस्टैंडिंग है ना इन स्विंग के साथ, मुसिन भाई बहुत आउट क्लास, जितनी शानदार अच्छी बहुत लेट इन, बहुत बहुत बोला पानी पिला दो जरा सा जहर मिला देना, बताया था वो काम भी है तो शायद भूल गए, मैंने याद दिला, सारी बात ये की आपके जो कुदरत के निजाम वाला है देखें, लेकिन ना मैं ये कहना भी चौका मार लेते इतनी गंदी गेंद थी, इतनी इतनी शॉर्ट पिच, इतनी शॉर्ट पिच ना उसमें बाउंस ही ना बाउंस सामने, हाँ तो सकलेन भाई जाते थे कुछ कहना चाहते हैं, मैं कहता हूँ कि हार जीत होती रहती है लेकिन हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, बाबर आजम कहते हैं, बाबर हार के जीतने वाले बाबर आजम कहते हैं, हम तो जीत के हार जाते हैं ना, हम तो दो तीन जगह ऐसा भी हुआ है, अच्छा जो जीत के आ जाते हैं उसे क्या कहते हैं, नेदरलैंड, उसे सकलेन मुश्ताक कहते हैं, उसे सकलेन मुश्ताक, वो नेदरलैंड है, वो बेचारे जीत के भी हार गए, ये क्या हो रहा है, ये कौन है यार, दो चौके मार दिए, दूसरा मारा है, दूसरा मारा था, ये अग्रेसिव खेलेंगे, मैंने कहा था कि वन डाउन जो आएगा वो नहीं रुकेंगे, लेकिन इंशाल्लाह अब हमारा दूसरा बॉलर दूसरी विकेट लेंगे, आ गया दूसरा बॉलर, अरे नसीम की सर वो बारिश हो रही है, अरे बारिश हो गई तो मुबारक हो सर, मुबारक हो, आपकी दुआ कबूल हो रही है, अच्छा इसमें मुसीम डकवर्थ नहीं आएगा, आएगा 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 क्योंकि 20 ओवर हो गए, नहीं नहीं क्या सिचुएशन हुई, दूसरे वाले को 10 ओवर खेलने, 10 ओवर के बाद आए सर, एक और दूसरे वाले भी 10 कंप्लीट, 10 खेलने हैं आपने, एक रन बाद आएगा, उसके बाद आएगा, यानी 10 कंप्लीट, ये जो आप बात कर रहे हैं दो ओवर है यार, अभी बारिश के नॉर्मल मैचेस में, हां आप वर्ल्ड कप का फाइनल कह रहे हैं, यू हैव टू, अच्छा इसके रूल्स कुछ चेंज है, इसके लिए यू हैव टू प्ले 10 ओवर्स, ओके आर यू श्योर 10 है या 4 है सर, 10 है, 10 है, आई थिंक तो बारिश होगा 10 है, मैच तो चल रहा है यार, लेकिन मैच चल रहा है, अच्छा वैसे इस सिचुएशन में क्या सिचुएशन होती ग्राउंड में जब बारिश हो जाती है, बैटर के लिए सपोर्ट है या बॉलर के लिए, बारिश ये तो बैटिंग की फेवर में, बैटिंग की फेवर में, बॉल गीला हो जाएगा, बॉल डेड, मेरे ख्याल बारिश नहीं हो रही, फुहार सी पड़ रही है और कितना वो नहीं है, अच्छा अगर हो भी जाए थोड़ी सी इनके पास तो इतनी जबरदस्त वो है, कल का दिन भी है ना मौजूद है, कल का दिन, अच्छा कल रिज्यूम होगा सर, कल वही से नहीं होगा, अब तो यहां से चलेगा रिज्यूम होगा मैच, और नहीं नहीं रिप्ले तो दोबारा मैच थोड़ी होगा, जहां खत्म हुआ वहीं से शुरू होगा नेचुरली, एनर्जी बाहर, तीसरा चौका पड़ गया सर, ओहो हो, ये कह रहे हैं सलमान के रिज्यूम, तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म, आपने देखा किस तरीके से ये लोग बात कर रहे थे, अब इसके बारे में तो कुछ चर्चा करने को है नहीं, उनका रिएक्शन ऑब्वियसली दुखी रहेगा, लेकिन पाकिस्तानी फैंस को इतना निराश होना नहीं चाहिए, पाकिस्तान के लिए ये वर्ड यूज़ किया जा रहा था मीम्स में कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम पहली टी20 मतलब T20 वर्ल्ड कप से बाहर होने वाली पहली टीम है, ऑब्वियसली जैसे इंडिया से हारे फिर जिम्बाब्वे से हारे तो ऐसा हो गया था सीन, बट पाकिस्तान की टीम पहली टीम बनी जो T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची पहला सेमीफाइनल जीतने के बाद, तो आप समझ सकते हो अब सिनेरियो ऐसा कुछ है कि यार पाकिस्तान फाइनल हार चुकी है, ऑब्वियसली इंग्लैंड बहुत स्ट्रांग टीम थी, उनका अलग तरीके का खेलने का जो वो है स्टैंडर्ड वो अलग है, इंडिया के मैच में आपने देखा पाकिस्तान के मैच में देखा, बॉलिंग में वो बहुत ही ज़्यादा डिफेंसिव हैं और बैटिंग में बहुत ही ज़्यादा अटैकिंग है, बॉलिंग में मतलब वो ऐसी फील्डिंग सेट करते हैं कि उनको विकेट नहीं लेना, उनको रन बचाना है, बैटिंग में उन्होंने दिखा दिया कि भैया वो हर तरीके का गेम खेल सकते हैं, अब क्या कर सकते हो आप, पाकिस्तान की टीम बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग से ही डिफेंसिव दिख रही थी, बाबर आजम ऑब्वियसली और रिजवान, जिस दिन ये दोनों प्लेयर अगर खड़े हो गए 6-7 ओवर तो उस दिन या तो बहुत लंबा स्कोर बनता है या तो फिर बहुत कम स्कोर बनता है, और आज सीन हो गया उल्टा, 138 बने यार, सेम कंडीशन थी मतलब 10-12 ओवर के बाद इंडिया के सेमीफाइनल में बैटिंग के स्कोर की और आज के पाकिस्तान के स्कोर की, बट इंडिया के पास था हार्दिक पांड्या जिसने एक मतलब एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी नॉक खेली, और पाकिस्तान के पास थे शादाब खान इफ्तिकार, बट हुआ क्या कि वो किसी भी मतलब किसी के भी बैट में आज बॉल लगी नहीं और 138 तक स्कोर पहुंच गया जो कि 170 होता, तो ऑब्वियसली ये पाकिस्तान का बॉलिंग जो लाइनअप है वो बहुत फाइट बैक देता, हालांकि ऐसा नहीं कह सकते हम बटलर फिर डिफेंसिव अप्रोच से खेलते ना, क्योंकि बटलर एक ऐसे प्लेयर हैं ये लोग जो लिविंगस्टोन वगैरह ये लोग डिफेंसिव होते ही नहीं है, ये लोग अटैकिंग खेलते हैं, तो कुछ सिनेरियो और होता, ये लोग सोचते कि अब बहुत बड़ा एवरेज है तो शायद ये मार मार के ही खेलते, बट आज इन्होंने थोड़ा सा इंग्लैंड वालों ने बैटिंग भी डिफेंसिव की, इन्होंने सोचा कि यार थोड़ा सा नॉर्मल तरीके से खेलना है, तो अब देख सकते हो यार आप क्या कहना है, मेरे हिसाब से पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस इतना ज़्यादा निराश होने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आपकी टीम अच्छा खेल के फाइनल नहीं पहुंची है।
सेमीफाइनल अच्छा खेल के नहीं पहुंची, सेमीफाइनल के बाद अच्छा खेल के फाइनल पहुंची, बट सेमीफाइनल तक अच्छा खेल के नहीं पहुंची, ये बात तो कंफर्म है। अगर आप बहुत अच्छा खेलते हैं जैसा आपने लास्ट वर्ल्ड कप में खेला था, ऑब्वियसली लास्ट वर्ल्ड कप में आपको याद है पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से जीता जिताया सेमीफाइनल हारा था, उस वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस को ज़्यादा दुख हुआ होगा क्योंकि वो यूएई में था फाइनल, वहाँ पे पाकिस्तान की टीम वहाँ पे बहुत अच्छा खेल रही थी, इंडिया को हराया इन्होंने, न्यूजीलैंड को हराया इन्होंने, इन्होंने अफगानिस्तान को हराया और फिर उसके बाद ये लोग मतलब सेमीफाइनल तक पहुँचे। सेमीफाइनल में भी इन्होंने बहुत अच्छा खेला, ऑस्ट्रेलिया के स्टार्टिंग में सारे विकेट गिर गए थे लेकिन उसके बाद एक स्टॉइनिस और एक मैथ्यू वेट की पार्टनरशिप लगती है और पूरा गेम ही चेंज हो जाता है। वो मैच पाकिस्तान को मेरे हिसाब से इस मैच से ज़्यादा उसके लिए सैड होना चाहिए क्योंकि उस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम डोमिनेट करती हुई थी, इस वर्ल्ड कप में ये लोग गिरते पड़ते सेमीफाइनल पहुँचे हैं, बट सेमीफाइनल के बाद तो फाइनल पहुँचे ना, अच्छा खेला ना। आपको क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में, प्लीज़ कॉमेंट में अपनी